सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 में प्रिंटर एरर आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेस, ओके, इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट स्पॉलर, इसको जो है राइट क्लिक कर यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी मैन है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस स्टेटस जो है यहाँ पर रनिंग है, इसको जो है आपको स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज 10 की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एडिशनल ट्रबल शूटर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इतने सारे ऑप्शन जो है शो हो जाएंगे। उसमें से आपको जो है यहां पर प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर रन द ट्रबल शूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है डिवाइस मैनेजर यहां पर सर्च करना है। फिर उसके बाद इसको जो है ओपन कर लेते हैं। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर, यहाँ पर इस एरो के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जेनेरिक USB हब जो है यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर अपडेट के ऊपर क्लिक कर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर इसको जो है क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है प्रिंटर एरर को जो है रिमूव कर सकते हैं विंडोज 10 में से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।